अभी स्थिति बना हुआ है, नियोजित शिक्षक कहाँ हैं, किस ओहदे पर हैं, क्या इनकी इकाइयां भंग होगी, नियोजन इकाइयां। महागठबंधन और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषित करने की जो हमने बयानबाजी की है जी, और शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया गया, आंख मिचौली का खेल सरकार और शिक्षकों के बीच चल रहा है और कुछ नौकर सा इसमें लुप्त ले रहे। एक होकर बिगुल फूके, आह्वान करें सरकार के खिलाफ। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री और साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग, इसको देखते हुए सरकार काम कर रहा है और ऐसे में इसको लेकर जल्द से जल्द विभाग जो है वो फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही समय सारणी को लगातार सवाल उठ रहा है और इसके साथ ही और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों पर आज हम बात करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू हैं, नेता हैं शिक्षक संघ के। ऐसे में शैलेंद्र जी, सवाल आपसे हमारा कुछ, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बातें दिनों सामने निकल के आ रही है और देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा शिक्षक परेशान हैं, ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का साथ ही अपर मुख्य सचिव का बयान आ रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? बयानबाजी तो पिछले महागठबंधन की सरकार से ही शुरू हो गई थी और सभी शिक्षक नेता और शिक्षक प्रतिनिधि इसमें संलग्न थे और बारी बारी से कभी मुख्यमंत्री जी से तो कभी शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे थे। लेकिन आज आश्वासनों के दौर में शिक्षक जी रहे हैं और राजनीतिक धुरी में ये लपेटे में आ गए और जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर या सूर्य पृथ्वी का चक्कर और चंद्रमा किधर है, इनकी मांगे कब पूरी होगी, सब पर ग्रहण लगा हुआ और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के हित में जो बयानबाजी हम लोगों के द्वारा की जा रही है जी, मात्र आश्वासन का घूंट दिया जा रहा। अब तो बयान के लिए मीडिया वाले को ही दोषी मान रहा है, ये मीडिया वाले कुछ शिक्षक संघ के नेता और मेरे जैसा नेता जो निर्भीक होकर के पाठक जी के खिलाफ, इस सिद्धार्थ जी के खिलाफ, माननीय महागठबंधन और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषित करने की जो हमने बयानबाजी की है जी, और शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया गया है, अब कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं जी। इसका ताजा उदाहरण है कि बिहार में जितने भी संघ है अपने संघ भवनों में किसी प्रकार का शिक्षक दिवस का आयोजन नहीं किया जी, और ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों को सम्मानित किया गया श्री कृष्ण मेमोरियल में और शिक्षक चले गए प्रताड़ना के बावजूद, आश्वासनों के घूंट पीने के बावजूद, इनका उत्पीड़न प्रताड़ना के बावजूद ये शिक्षकों का जो समारोह हुआ उसमें सम्मिलित हुए और कई शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपने घरों दफ्तरों में इस तरह के आयोजन किए और शिक्षक फूल माला और शॉल ओढ़कर गदगद हो गए। क्या बात है, कहां शिक्षकों की स्थिति जा रही है, शिक्षकों की दयनीय स्थिति पर और इनकी एकता नहीं, एक नहीं होने के कारण ये दुर्गतियों का सामना करना पड़ रहा है और हम जैसे लोग बिना मतलब का बोलते हैं, इसकी सराहना नहीं की जाती है और न शिक्षक एकजुट होते हैं, खंड खंड में बटे हुए हैं, आंख मिचौली का खेल सरकार और शिक्षकों के बीच चल रहा है और कुछ नौकर सा इसमें लुप्त ले रहे हैं, इनका निरीक्षण कमेटी बन रहा है। शैलेंद्र जी, समय सारणी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में समय को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? समय सारणी तो दो मील का पत्थर हो गया। अरे जो इनका जो अभी स्थिति बना हुआ है, नियोजित शिक्षक कहाँ हैं, किस ओहदे पर हैं, क्या इनकी इकाइयां भंग होगी, नियोजन इकाइयां, ये शिक्षक नहीं रहेंगे,
या शिक्षक रहेंगे या जबरदस्ती इनको सक्षमता परीक्षा देना होगा। न संघ है न शिक्षक प्रतिनिधि है, इस संदर्भ में मूक बने हुए हैं और 10 से 4 और समय सारणी 35 मिनट और 45 मिनट का आप कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन ये जो है उसमें एनईटी एक्ट के अनुसार जो है उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ जी का आश्वासन है, ये कहां से ले आए भाई? 48 घंटों का नई शिक्षा नीति में कहां है? 45 घंटों का है ये, कहां ये कर रहे हैं सप्ताह में? शनिवार रविवार की बात नहीं करते हैं, ये बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मनरेगा की तरह। मनरेगा में मजदूरों को हाजिरी बना के और काम करे या नहीं करे उनका वेतन ये हो जाता है, शिक्षक को मजदूर समझे हुए हैं। और शिक्षा मंत्री जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे और आज सरकारी स्कूल के शिक्षकों को का जो हाल बना दिए हैं ये लोग वो कहीं के नहीं है। ऐप से बनाइए अटेंडेंस, चाहे वहां आपको मिले या नहीं मिले, एंटीना है या नहीं है, टावर है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, विद्यालय में बच्चे हैं या नहीं है, आपको विद्यालय के 500 मीटर के अंदर आपको ऐप से अटेंडेंस बना दे। और शिक्षक ग्रुप में बटकर शिक्षक दिवस मना रहे हैं, साल ओढ़ रहे हैं, प्रताड़ना का चादर ओढ़ रहे हैं और यातनाएं सह रहे हैं और फूल माला पहन रहे हैं घूम घूम कर। ये राजनीतिज्ञों के पीछे लगू जब तक बने रहेंगे, राजनीतिक दलों के पीछे लगू जब तक शिक्षक बने रहेंगे, आपस में जब तक टुकड़े टुकड़े गैंग में बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 सक्षमता विशिष्ट नियोजित नियमित क्या और है अतिथि, क्या मजाक बना हुआ है। अरे एक रही आप शिक्षक हैं, आपको प्रताड़ना सहने की आदत बन गई है और बनी रहेगी और सरकार जब तक आपको एक टूल्स के रूप में उपयोग कर रही है, समस्याओं को पैदा कर रही है दिन प्रतिदिन, कभी समय सारणी तो कभी वेतन तो 1 से 8 या क्या ढूंढ 1 से 1, कभी उनका विद्यालय में लाल कलम से जांच होगी उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दूसरे विद्यालय के, रोज एक न एक नित्य प्रयोग शिक्षा को प्रयोगशाला बना रखा और शिक्षा को शोध का विषय बना रखा है। और तमिलनाडु का प्रयोग अब इसमें प्रयोगशाला में होगा शिक्षकों के बीच, बिहार का अपना शिक्षण प्रणाली है, शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षित लोग हैं और अपना परचम मेधा का पूरे भारत क्या पूरे विश्व में बिहारियों ने फैला रखा है और उस शिक्षा व्यवस्था को चरमराने की कोशिश ये महागठबंधन की सरकार और वर्तमान डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसका तो परिणाम भुगतना होगा। और शिक्षक अभी चुप है। चलन जी, इसको लेकर क्या मांगे कीजिएगा आप शिक्षकों के हित में? जिस तरीके से मांगे कई सारी उठ रही है, जिस तरीके से कई सारे शिक्षक है और कई तरह की मांगे उठा रहे, इसको लेकर क्या मांग करेंगे शैलेंद्र शर्मा? आपसी भेदभाव को मिटाकर सीनियर जूनियर और प्रभार के लोभ में, स्थानांतरण के लोभ में, महिला और पुरुष में भी भेद, बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक में विभेद को आप संयम से काम ले, धैर्य से काम ले, एक होकर बिगुल फूके, आह्वान करें सरकार के खिलाफ, एक चौकीदार, एक दीदी और एक आंगनबाड़ी की शिक्षिकाएं अपना मांग पूरा करवा सकती है तो हम और आप तो चाणक्य के वंशज हैं, बुद्धिजीवी हैं, एकजुट होकर सड़कों पर आए और आंदोलन की सोच को पैदा करें, एक बने नेक बने और संघों की जो स्थिति है उसमें बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा
आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, आपकी समस्याएं जस की तस बनी रहेगी। एक बने नेक बने, एक साथ आना होगा और कहीं ना कहीं सबको एकजुट होना होगा, तभी मांगे पूरी होगी। ऐसे में सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू, वही क्या कुछ कह रहे थे शिक्षकों की मांगों को लेकर, आपने सुना है जी शैलेंद्र जी? मेरी ओर से स्पष्ट घोषणा है कि मेरा संघ आपके साथ खड़ा है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहां भी मेरी मदद, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा लेकिन आपका साथ दूंगा, मरते दम तक दूंगा, यह मेरा आश्वासन है। और जहां कहीं भी बुलाएंगे मैं उपस्थित होऊंगा और आपके आंदोलन का प्रबल संबल रहूंगा समर्थक के रूप में। देखिए समर्थक के रूप में मैं काम करूंगा, नेतृत्व नहीं करूंगा, ऐसे में बड़ी बात कह डाली है शैलेंद्र शर्मा और सैलू ने, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से एकजुट होंगे तो हमारा संघ भी आपके साथ है और ऐसे में आपकी आवाज को हम बुलंद करने का काम करेंगे। ऐसे में शिक्षकों की कई सारी मांगे जिसको लेकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू, तो वही क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।